व्हाट्सअप एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, केम छो बधा। आई होप के बधा मजामां जशो। तो आज का एक अपना टॉपिक काफी शानदार होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि कई सारे जो लोग हैं वो अपने यमहा के साइलेंसर में ग्लास वूल फिट करवा देते हैं, या फिर जो प्लास्टिक की रुई आती है उसको डालकर कुछ अलग ही प्रकार का साउंड निकालते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम भी अपनी जितनी भी मफलर है उन सारी में ग्लास वूल लगाएंगे और उसको ट्राई करेंगे अपनी यमहा में कि जिससे कैसी आवाज़ आती है उसका पता चल सके। मैंने ये मतलब काफ़ी बार सुना भी है, देखा भी है, तो आज इस वाली वीडियो में पूरा ट्राई करेंगे। अपने पास ये तीनों के तीनों मफलर है। ये जो है वो स्टॉक वाली है, एकदम ओरिजिनल। फिर ये कट मफलर बोलते हैं, इससे थोड़ी तीखी तीखी साउंड आती है। और ये पाइप मफलर, ये काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है। तो हम इन तीनों में क्या बारी बारी से ग्लास वूल लगा देंगे और फिर अपने को ट्राई करेंगे अपनी यमहा में, तो देखते हैं कैसी साउंड आती है। तो फटाफट से हम लोग इसमें ग्लास वूल सेट करते हैं। तब तक आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फटाफट से इसमें लपेटते हैं। ग्लास वूल लगा के तैयार हो गए। हमें ये साइलेंसर के अंदर ही बिखर ना जाए इसके लिए इसमें तार लगा रखे हैं। तो तीनों ही मफलरों को हमने कुछ इस तरह से लपेट लपेट के सही कर दिया जिससे कि हम अच्छी तरह से इसके साउंड टेस्टिंग कर सकें। और आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर ग्लास वूल चाहिए तो मेडिकल पर भी मिल सकता है, और फ्री में अगर ग्लास वूल चाहिए तो निम्बा निबी जो अपना टेडी बेयर पे गुड्डा गुड्डी देते रहते हैं तो उसके अंदर भी बड़ा अच्छा वाला ग्लास वूल होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें वही लगाया। तो फटाफट से अपनी बाइक के पास चलते हैं और इन तीनों को ट्राई करते हैं। तो सिंपली हम अभी अपनी बाइक के पास आ गए, तो वन बाय वन इसमें पहले ट्राई करके आप लोगों को साउंड सुनाते हैं। लोगों ने सारे के सारे साउंड सुने लिए होंगे, ये वाला कट मफलर, ये वाला स्टॉक मफलर और उधर पड़ा है वो पाइप मफलर। तो बेसिकली इसमें कोई उतना ज़्यादा अंतर नहीं आता, बस थोड़ी सी आवाज़ मतलब थोड़ी हल्की सी क्लियर जैसी आती है और थोड़ी सी तीखी हो जाती है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैंने पूरे हाथ अपने काले करवा लिया, तो एक वीडियो बनाने में कम से कम 1 से 2 घंटा जैसा टाइम लग गया ये वाला। तो लाइक जरूर से कर देना इतनी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब भी कर देना और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। करते हैं ये वाली वीडियो यहीं पे क्लोज, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। I was gone for a minute. I was gone for